हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज एक रेसिपी बनाती हूँ, वो है सोयाबीन की पुलाव। तो चलिए देखते हैं आज की इंग्रेडिएंट्स। हल्का फ्राई करूंगी। देखिए हो गया। अभी ठंडा होने के बाद मिक्सी में इसकी पेस्ट बनाऊंगी। देखिए पेस्ट बन चुका है। जो आलू लिया था उसमें हल्का नमक डाल के डीप फ्राई किया। गैस ऑन कर दिया। अब बर्तन गर्म हो गया। अब देखो मैं इसमें घी डालूंगी 2 चम्मच। ये 250 ग्राम चावल के लिए। और 3 चम्मच सरसों का तेल। अब डालूंगी साबुत गरम मसाला। प्याज, तो 2 मिनट फ्राई करूंगी। देखिए प्याज को 2 मिनट तक फ्राई किया। टमाटर और एक चीज लो फ्लेम में फ्राई कीजिए, नहीं तो जल जाएगा। टमाटर गलने के लिए थोड़ा नमक डालूंगी। जो मैं 3 चम्मच दही लिया था वही, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये हल्दी। नमक बाद में डालेंगे। देखिए टमाटर गलने लगे तो मैं ये मसाला डालूंगा।
डालूंगी न्यूट्रेला, मटर, कॉर्न, मूंगफली, काजू किशमिश, सारी चीज को अच्छी तरह मिलाऊंगी। देखिए मसाला से तेल छोड़ने लगे, अब इसमें ऐड करूंगी ये पेस्ट। फिर से 2-3 मिनट तक फ्राई करूंगी। देखिए मसाला फ्राई हो गया, ये जो चावल था उसका पानी मैंने निकल लिया, थोड़ा सा पानी रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चावल डाल दीजिए, गैस को सिम कर दीजिए और खूब अच्छी तरह इसको हिलाइए। अब स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, दही डाला मैंने इसलिए चीनी थोड़ी सी। आप लोगों की अगर नहीं इच्छा हो तो माप डालिए। अब गरम मसाला डालूंगी, इस ग्लास की 1 ग्लास चावल लिया था मैंने तो अभी 2 ग्लास पानी डालूंगी। बॉयल आने तक हाई फ्लेम में रखिए, फिर लो फ्लेम कर दीजिए, फिर मैं इसमें आलू डालूंगी। आप लोग इसे कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में आप अगर बनाते हो तो 1 व्हिसल देना। अब मैं इसको ढक के 7 मिनट तक पकाऊंगी लो फ्लेम में। देखिए 7 मिनट बाद मैंने खोल के देखा, देखो चावल गलने लगे, और 2-3 मिनट तक मैं इसे पकाऊंगी और ड्राई कर लूंगी। अब पुलाव सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए इसमें थोड़ा सा धनिया के पत्ते और हरी मिर्च डाल के गार्निश किया। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अतुल्य फूड एंड ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।